एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सुनीता। आज का जो टॉपिक है इस रिलेटेड ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ फेस। ठीक है, अगर फेस के ऊपर ब्लैक डिस्कलरेशन होता है या ऑल ओवर द बॉडी आपको ब्लैक डिस्कलरेशन होती है, बेसिकली हम फेस पे वो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखती है। ठीक है, कई बार ब्लैक डिस्कलरेशन आपको लेग्स पे दिखती है, हैंड्स पे दिखती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर दिखाई देती है। कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो है क्योंकि उनका शुगर लेवल एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है और वो अपना लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा मैनेज नहीं करते, तो उनमें ज़्यादातर करके देखा जाता है कि ब्लैक डिस्कलरेशन हैंड्स एंड लेग्स के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा दिखती है। प्लस जो उनका नेक होता है, नेक का जो एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो वो ड्यू टू शुगर होता है। बट अगर हम फेस की बात करें जहाँ पर कि ब्लैक डिस्कलरेशन हो रहा है, तो वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वो क्यों होता है और उसका होम्योपैथिक में क्या रिजॉल्व है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जब ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ फेस की बात करते हैं तो सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल चेंजेस, फिर आता है आपका सन। ठीक है, यानी कि सन रेज़ के अंदर आप प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, आप सन रेज़ में ऐसे ही चले जाते हैं, एंड उसके बाद जो है दैट रेज़ हार्म यू बैडली एंड ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है, स्मॉल स्मॉल पैचेस हो जाते हैं फेस के ऊपर। ठीक है, एंड थर्ड जो होता है रॉन्ग प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, यानी कि चीप प्रोडक्ट्स को यूज़ करना या फिर गलत प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू योर स्किन ना यूज़ करके कुछ भी ऐसा रिकमेंडेड बाय समवन एल्स जिसने बताया आपने यूज़ कर लिया, या चीप जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन करने से भी ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ फेस हो जाता है या पैच ब्लैक डिस्कलरेशन दिखता है। ठीक है, जब हम देखते हैं कि ब्लैक डिस्कलरेशन का रिजॉल्व ढूंढते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि आपके प्रोडक्ट्स चेंज करने होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स को चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू योर स्किन। इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, टी जोन स्किन प्लस ड्राई स्किन, तो अकॉर्डिंग टू दैट योर प्रोडक्ट्स गेट चेंज अलॉन्ग विद इट सनस्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिकमेंडेड। जब हम बात करें और ट्रीटमेंट की, फर्दर ट्रीटमेंट की, तो आपको कुछ मेडिसिन भी दी जाती है जिसमें कि आपका बेसिकली जैसे बर्बेरिस फिल्म दी जाती है या फिर सल्फर दी जाती है या फिर कोई और जिससे कि प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड हो सके। ठीक है, या फिर अगर हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो कि केस टेकिंग में आया है, तो हम सीपीआर आपको देते हैं या नक्समोमिका देते हैं जिसकी हेल्प से, या फर्दर मेडिसिन जो भी इंडिकेटेड होती है अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स उसके हिसाब से उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो मेडिसिन प्लस एक्सटर्नली एप्लीकेशन जो होती हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के अंदर वही आप क्रीम, सनस्क्रीन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, स्किन केयर रेजिमिन बेसिकली आ जाता है, और इंटरनली आपका प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड और हॉर्मोन्स को बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब मिला जुला कर आपका जो ब्लैक डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ब्लैक डिस्कलरेशन टैकल कर लेते हैं हम होम्योपैथी में, कोई इशू नहीं आता है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो चुकी है, जैसे कि सबसे पहले तो अगर ब्लैक डिस्कलरेशन फेस पर दिखने लग जाए तो आपको तुरंत ही उसको क्योर कराना चाहिए ताकि वो बढ़े नहीं, लेकिन अगर प्रॉब्लम प्रोमिनेंट हो चुकी है और बढ़ चुकी है तो फिर दैट विल टेक डेफिनेटली लॉन्गर पीरियड। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम भी सीवियर हो जाती है तो ट्रीटमेंट भी लॉन्गर हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो यस, इट्स ऑल अबाउट ब्लैक डिस्कलरेशन। Yeah, that's all about. Thank you so much for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe and spread this video with others. Bye, take care.